हेलो दोस्तों, हीरो ने अपनी न्यू स्प्लेंडर प्लस एक्स टैग को लॉन्च कर दिया ऑफिशियली। आपको हर स्टेट में अवेलेबल है, कोई से भी शोरूम पे जाके आप बाइक को परचेज कर सकते हो। खैर, 2 से 4 दिन पहले लॉन्च कर दिया था। आज इस बाइक के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करने वाला हूँ, और मैंने काफ़ी ज़्यादा चला भी लिया बाइक को। अभी लगभग 247 किलोमीटर चल चुकी है बाइक ऑडोमीटर के अकॉर्डिंग। इस बाइक को लॉन्च किया लगभग 74,000 एक्स शोरूम पे, 74,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड आते आते लगभग 90,000 या किसी किसी जगह 85,000 या फिर 92,000, मतलब कि वेरी करता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। तो लगभग ऑन रोड आपको 84,000 से 92,000-93,000 के बीच में लगभग आपको ऑन रोड देखने को मिलेगी बाइक। एसेसरी के साथ बता रहा हूँ मैं, इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका एसेसरी, इंश्योरेंस और आरटीओ वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये प्राइस रखी है बाइक की, और यहाँ पे क्या क्या बदलाव किए गए उनकी भी सब बात करेंगे वीडियो के अंदर। और सबसे पहले बाइक को चला लेते हैं। वैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, चलाते टाइम आप ज़रूर थोड़ा सा एक अपग्रेड फील करने वाले हो, मतलब एक अपग्रेडेड बाइक फील होती है। देखो, वैसे तो जो 100cc की बाइक होती है चलाने में सभी बाइक ऑलमोस्ट सिमिलर सी होती है हीरो की अगर बात करें तो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपना फ़र्क आ जाता है, हर बाइक का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इस बाइक की अगर बात करी जाए तो देखो, वैसे तो नॉर्मली बढ़िया चल रही बाइक, मस्त एकदम। अभी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है बाइक की, फर्स्ट सर्विस होने के बाद थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस ये बाइक देने वाली है, नो डाउट। और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अब भी मुझे परफॉर्मेंस में या फिर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, और एक नंबर, मतलब जिसको बोलते हैं ना स्पलेंडर से जितना प्यार है ना, जितना नाम है, जितनी उम्मीद करते हैं, हर एक चीज़ पर खरी उतरती है बाइक। और यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, देखो बाइक के ना क्लच एक तो बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट क्लच है, कोई आपको ऐसे हार्ड क्लच वाला ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ और लाइट क्लच है। ब्रेक की बात करी जाए तो दोनों आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, डिस्क का कोई ऑप्शन अभी तक कंपनी ने नहीं दिया है, और डिस्क मेरे हिसाब से कोई डिस्क ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस बाइक के अंदर। एक फैमिली कम्यूटर बाइक है, और एक सबसे छोटे सेगमेंट की बाइक जिनको बोलते हैं ना, वो बाइक है, और सबसे पॉपुलर भी अपने सेगमेंट में। तो यहाँ पर बाइक के अंदर आपको ब्रेकिंग अच्छी देखने को मिल जाती है, वही सेम ड्रम ब्रेक है जो कि अभी तक आप इस स्प्लेंडर में यूज़ करते आ रहे हो। दोनों ब्रेक आपको अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले अपने सेगमेंट के हिसाब से, और जिस तरह के ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया बाइक के अंदर उस तरह से। और रियर में आपको इंटीग्रेटेड हीरो का इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, मतलब रियर ब्रेक को प्रेस करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा उसके साथ। पूरा अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंट अप्लाई होता है, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग अच्छी बन जाती है अगर आप रियर ब्रेक को ओनली अप्लाई करते हो उस टाइम तो। और यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब आप इस बाइक को परचेज करोगे और मार्केट में लेके जाओगे कहीं भी, तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई स्प्लेंडर में ये मॉडल कब से आ गया, आपने अलग से नहीं लगवाया ये? फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि न्यू मॉडल है, फिर देख के समझ भी जाते हैं कि हाँ सब कुछ कंपनी फिनिश है, और सब कुछ एक टॉप नॉच क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो कंपनी का ही नया प्रोडक्ट है और नई स्प्लेंडर आ गई है। ऑलमोस्ट अभी कुछ काफ़ी सारे लोगों को पता भी लग गया, और आने वाले टाइम में पता लग जाएगा कि हाँ न्यू स्प्लेंडर आ गई, जिसके अंदर आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखो, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बाइक की जो हैंडलिंग है ना, हैंडलिंग में कोई बदलाव नहीं है, वही टर्निंग रेडियस है, वही सेम सब कुछ है। इंजन के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है, आपको वही सेम इंजन देखने को मिलेगा, 97.2 cc का इंजन है जो कि लगभग 8 hp की पावर देता है, और 8.02 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देता है। तो पावर फिगर में इंजन में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया कंपनी ने। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखो, इस बाइक को चलाते टाइम आप एक नई फीलिंग ज़रूर रखेंगे, एक फ्रेश फीलिंग आपको आएगी कि हाँ आप एक नए डिज़ाइन की या फिर न्यू मॉडल की बाइक चला रहे हो, लेकिन चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो राइड क्वालिटी है, वो आपको सभी चीज़ों में सेम लगने वाली है। स्प्लेंडर प्लस जो अपनी नॉर्मल रेगुलर आती है वही, तो वही बाइक है, बस इसमें कुछ नए नए चीज़ें ऐड कर दी, उनकी बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको नया देखने को मिल रहा है। हाँ, मैं वही चीज़ आपको कन्फर्म करा रहा हूँ कि आपको एक्सपीरियंस नया मिलेगा, आपको फील आएगा आपको कि हाँ एक नया प्रोडक्ट आप चला रहे हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस है चलाने का, कि किस तरह की ब्रेकिंग है, किस तरह का इंजन परफॉर्मेंस है, किस तरह की माइलेज है, सब चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगी स्प्लेंडर प्लस से। और यहाँ पे एक बार अपन कहीं साइड में बाइक रोकते हैं कोई अच्छी सी जगह देख के, और वहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नए अपडेट्स और किए गए हैं बाइक में। मीटर के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता भी लग गया कि ये स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल जाता है, फुली डिजिटल है, यहाँ पे आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, उसके अलावा रियल टाइम माइलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एक्चुअल में आपकी किस सेकंड में क्या बाइक दे रही माइलेज दे रही है ना, हर सेकंड की माइलेज यहाँ पे आती रहती है। फ्यूल गेज है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं बाइक के, देख रहे हो, मैं अभी ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको मैसेज अलर्ट देखने को मिल जाता है, उसके अलावा कॉल अलर्ट देखने को मिल जाता है, उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो साइन है वो देखने को मिल जाता है, बैटरी इंडिकेटर है, ब्लूटूथ इंडिकेटर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, ये सब चीज़ें आपको मीटर में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB चार्जर दिया जाता है, और यहाँ पे इसको मैंने टेस्ट भी किया है, अच्छी खासी चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। ऐसा नहीं कुछ कुछ बाइकों में चार्जर आते हैं कि आप फोन चार्ज करते हो चार्ज होता ही नहीं है, और एक टाइम पर जाके बैटरी कहीं ना कहीं 1-2% ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको
कोई प्रॉपर चार्जिंग देखने को मिल जाती है। हाँ, थोड़ा फास्ट नहीं है ये, नॉर्मल जो अपना रेगुलर चार्जर आता है ना, पहले जो सैमसंग फोन में आता था 15 वाट का चार्जर, कुछ उस तरह की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाइक को रोक लिया मैंने, i3s को मैं ऑफ कर देता हूँ बाइक को रोक के, क्योंकि वरना बाइक बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देगी। देखो फ्रंट में आपको एक LED डायल देखने को मिल जाती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ मुझे ये नहीं लगी, जैसे आप बाइक को स्टार्ट करोगे ना तो ये ऑन होगी, अगर चाबी ऑन करते हैं उस टाइम ये ऑन हो जाती है, तो शायद ज़्यादा बेटर लगता, ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। तो एक तो ये अपना बदलाव हो गया। सेकंड चीज़ें, बाइक के ग्राफिक्स आपको नए देखने को मिल जाते हैं, नए ग्राफिक्स है ताकि आपको पहचान रहे कि एक्सटैक है। लेकिन एक प्लेन ब्लैक कलर भी आता है इसमें, आप चाहे तो वो भी परचेज कर सकते हैं अगर आपको मतलब कुछ अलग नहीं चाहिए तो, समझ रहे हो ना। रेगुलर रहेगी लेकिन फीचर्स नए वाले रहेंगे। एक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बाइक के अंदर अब आपको पीछे सेंसर देखने को मिल जाता है स्पीड के लिए। मैं एक बार बाइक को मैन स्टैंड पर करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले इसमें स्पीड वायर के लिए तार हुआ करती थी, जिससे कि स्पीडोमीटर के अंदर स्पीड दिखाती थी बाइक, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इसमें पीछे वाले टायर में सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। सॉरी, साइड स्टैंड लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी देखो स्पीड आ रही है फर्स्ट गियर में बाइक, ये मैंने सेकेंड गियर में लगा दिए। खड़ी बाइक में आप स्पीड देख सकते हो बाइक की ना। अब पीछे वाले टायर में सेंसर आने लग गया है, एक ये बड़ा बदलाव बाइक के अंदर। दूसरा, आपको चार्जर मैंने बता दिया, एक ये अपने नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है। इंजन स्पेक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, 97.2 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, और लगभग 8 bhp की पावर, और लगभग 8.05 न्यूटन या फिर 8.02 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देता है। और यहाँ पे अगर बाकी चीज़ों की बात करी जाए, हैंडलिंग क्वालिटी कैसी है बाइक की, कहाँ पे सीटिंग पोजीशन है, उसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो हैंडल को ऊपर नीचे करके, सीट कम्फर्ट, उसके अलावा टायर साइज, व्हील साइज, डायमेंशन क्या है, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, ये भी सेम है, और ग्राउंड क्लियरेंस कितनी, सब कुछ सेम है। बाकी और कुछ भी चीज़ आप मत देखना, ये चार पांच चीज़ है जो कि बदलाव करी बाइक के अंदर, बाकी हर चीज़ बाइक के अंदर आपको सेम ही देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाता है कि इस बाइक के लिए एक्स्ट्रा पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइक थोड़ी महंगी हो गई है ना, तो खरीदें या फिर नहीं खरीदें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस की जो प्राइस है वो लगभग 70,000 से 72,000 एक्स शोरूम है, और इसकी प्राइस है लगभग 74,000, तो लगभग 2 से 3 हज़ार और कुछ कुछ जगह पर मैक्सिमम 4,000 का फर्क यहाँ पर हो सकता है, और थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा आपके स्टेट के हिसाब से फ़र्क पड़ जाता है प्राइस में, कुछ 1,500 का। लेकिन अगर मोटा मोटी भी बात करें ना, तो भाई लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये कहीं जगह होगा तो, वरना नहीं होगा फ़र्क। तो लगभग 3-4 हज़ार रुपये फ़र्क के बाद भी अगर आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपको अपग्रेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, खैर बहुत सारी, तो मेरे हिसाब से तो यार ये एक परफेक्ट डिसीजन रहेगा नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस से, अगर आप स्प्लेंडर प्लस एक्सटैक लेते हो तो। मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लगी, ज़्यादा अच्छी लगी, थोड़ी प्रीमियम भी फील करवाती है बाइक। जिस तरह से इसका मीटर का डिज़ाइन दिया गया है ना, ये तो क्रोम पट्टी दी गई है यहाँ पे, और जिस तरह से इसको पैक किया गया है इस नई फेयरिंग के साथ, तो ये कहीं ना कहीं एक पैक वाली फीलिंग देता है, पैक्ड, समझ रहे हो ना, प्रॉपर पैक्ड चीज़। हाँ, लेकिन अगर आपका बजट है भाई, आपको नहीं दे सकते हो, तो फिर आप नॉर्मल स्प्लेंडर प्लस में भी जा सकते हो, वो भी क्लासी चीज़ है और वही सेम है, बस यार कुछ फीचर्स का ही तो फ़र्क है, कोई बड़ा फ़र्क यहाँ पे नहीं है, बस आपको 3-4 हज़ार रुपये दे के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आपको काम के नहीं लगते हैं किसी भी अपने, तो फिर मत लो, आपकी जो चॉइस हो वो ले सकते हो। अपग्रेड चीज़ लेनी हो तो फिर स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रा के ऊपर जाओ, मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में यही सब कुछ था, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हम वीडियो को बोरिंग नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने बाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यार अच्छा लगता है जब आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो और बातचीत करते हो तो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।